देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से सिक गए हैं, कितने लाल हो गए हैं, और हमने इसे चटनी के साथ और रायते के साथ सर्व करा है। आप चाय भी बना सकते हैं इसके साथ, आलू की सब्जी भी बना सकते हैं रेसी वाली। देखिए कितने टेस्टी पराठे हैं ये, कितने चटपटे बने हैं, हरी मिर्च और अदरक की वजह से कितने चटपटे बन गए हैं। देखिए कितने अच्छे पराठे सीखे हैं ये। बथुआ हमारा सर्दियों की जान है, आप इसे ज़रूर बना कर खाइएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हमने आधा किलो बथुआ ले लिया है। देखिए आज हम आलू और बथुए के भरवा पराठे बनाएंगे, जैसे हम अपने स्टाइल में बनाते हैं, देसी स्टाइल में। देखिए अब हमने ये बथुए की डंडी तोड़ ली है, हम बथुए को काटेंगे। हम अपना बथुआ बारीक बारीक काट लेंगे। ये सर्दियों के दिनों में हरी सब्जियाँ आती हैं, देखो कितनी इसमें प्रोटीन होते हैं, हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं ये। हमने अपने बथुए को देखो कितने अच्छे से धो लिया है, हमने चार पांच पानी से धो लिया है, इसमें बहुत रेत निकलता है, बहुत मिट्टी होती है। अभी हमारे आधा किलो आलू ले लिए हैं हमने, ये नए आलू हैं और हम इन्हें उबालेंगे, हम कुकर में डालेंगे इन्हें। अब इसी पर बथुआ डाल देंगे, ये रहा हमने कुकर में कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसे गैस पर रखेंगे। हमने गैस पर रख दिया है, कुकर बंद कर देंगे हम अपना, तीन सीटी लगाएंगे। हमारा बथुआ उबल गया है, हम कुकर खोल लेंगे, देखो कितने अच्छे से बथुआ उबल गया हमारा, हम इसे पलट लेंगे। हमने आलू को पसा के चले, आलू को और बथुए को पसा के छलनी में छील लिए हैं आलू, बथुआ हमने निचोड़ लिया है। अब हम इन्हें एक थाली में करेंगे, अब हम आलू को कसेंगे क्योंकि नए आलू हैं। अब मैं आलू को कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि नए आलू हैं, मैं सर से नहीं होने के। आलू को ऐसा कर लिए हैं और हम इसमें बथुआ मिला देंगे और इसमें हमने मसाले डालेंगे। हमने आलू कस के इसमें बथुआ मिला दिया है और इसमें मिर्च डालेंगे, अपने अनुसार स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, ज़रा सी हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया डाल देंगे और हम इसे मिक्स करेंगे आपस में। हमने अदरक का अपना दरदरा कर लिया था, अदरक और हरी मिर्च, अभी इसमें हम डाल देंगे, इससे पराठे हमारे टेस्टी हो जाएंगे। ये भी हम इसे मिला देंगे, हम इसे मिक्स कर देंगे। हमने कढ़ाई रख दी है, अब गैस ऑन कर दी और एक चम्मच हम सूजी डालेंगे। हमने देसी घी डाल दिया था इसमें, देसी गरम हो गया है, आधी स्पून हम जीरा डाल देंगे, आधी टी स्पून हींग डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हमारा देखो इसमें पेस्ट में हमने हल्की सी खटाई डाल दी है, हमने जीरा डाल हो गया है। अब इसमें अपना बथुआ डाल देंगे, बथुआ डाल लो, देखिए हमारा बथुआ भुन रहा है, अच्छे से हमारा बथुआ भुन रहा है। भुनने के बाद हम इसे उतार लेंगे, फिर इसके पराठे भरेंगे हम। देखो हमारा बथुआ कितने अच्छे से भुन के तैयार हो गया है, देखिए कितना चटपटा मसाले का तैयार हुआ है हमारे। हम गैस बंद कर देंगे और हमने नॉर्मल आटा जैसे आप पराठों को घर में बनाते हैं ऐसे मार लिया है, इसमें नमक डाल के ये 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है हमने ये आटा, इसके पराठे भरेंगे हम। हमने आटा तैयार कर लिया था, हमारा आटा सही हो गया है और हम इसके पराठे बनाएंगे। लोई थोड़ी सही लेंगे हम, और हमने लोई ले ली है और हम इसे बेलेंगे। हमने बेल लिया छोटा सा और अपना बैटर भरेंगे इसके अंदर।
देखिएगा। अब हम इसकी धीरे धीरे ऐसे बंद करेंगे इसको, देखिएगा। देखिएगा हमने अपना वो भर दिया है फ्लेवर, और हम धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे जिससे हमारा पराठा फटे नहीं। आप जितना बड़ा चाहे इतना बड़ा बड़ा बना सकते हैं। मैंने पराठा डाल दिया है, पराठा अपना पलट देंगे। देखिए तिरछी चिट्ठी आई है, लाल हो गया है। देखिएगा हमारा तिरछी से पराठा सूख गया है। और इसको ऑयल लगाएंगे और इसे पलट देंगे। देखिए दबा दबा के हम ऐसे पराठा सेकेंगे। देखिए अच्छे से हमारा पराठा सीख गया है। देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे से सीख गए हैं, कितने लाल हो गए हैं। और हमने इसे चटनी के साथ और रायते के साथ सर्व करा है। आप चाय भी बना सकते हैं इसके साथ, आलू की सब्जी भी बना सकते हैं रायते वाली। देखिए कितने टेस्टी पराठे हैं ये, कितने चटपटे बने हैं। हरी मिर्च और अदरक की वजह से कितने चटपटे बन गए हैं। देखिए कितने अच्छे पराठे सीखे हैं ये। अब अथवा हमारा सर्दियों की जान है, आप इसे जरूर बनाकर खाइएगा। शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।